Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, comma. आप लोग समझ सोच रहे होंगे बेटा कि कॉमा होता क्या है, कॉमा मतलब ये कॉमा क्या है, इंग्लिश में हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो आज हम सीखेंगे. ओके, देखिए जब भी कॉमा क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन देयर आर मोर देन टू सिमिलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी पुट कॉमा टू सेपरेट देम. यानी कि सिमिलर वर्ड्स, जब एक सेंटेंस में सिमिलर टाइप के वर्ड्स आते हैं. ओके, सिमिलर वर्ड्स मतलब मान लीजिए अगर एक गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, आई कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पर देखिए तो एग्जांपल दिया हुआ है, आई कैन प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तो ये क्या सिमिलर वर्ड्स हो गए, यानी कि गेम है, सब 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 गेम्स में आते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, सब में गेम्स आते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सिमिलर वर्ड्स आएंगे तो उसको अब हम साथ में लिखेंगे, क्रिकेट फुटबॉल सब साथ में लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा, तो हमें क्रिकेट अलग गेम है, फुटबॉल अलग गेम है, तो इस तरह इसको सेपरेट करें, इसको अलग करना पड़ेगा. तो कैसे हम अलग करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉमास. अब देखिए हम क्रिकेट है, क्रिकेट को हमने ये कॉमा लगाते, कॉमा लगाते कैसे, इस तरीके से लगाते. ओके, तो क्रिकेट अलग हो गया, फुटबॉल अलग हो गया, और बैडमिंटन एंड हॉकी, बैडमिंटन एंड हॉकी, यानी कि जो अलग अलग सेपरेट करना है वर्ड्स को, सेंटेंस में वर्ड्स को सेपरेट करना है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं. ओके, तो आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको पढ़िए, सीखिए और फिर आगे बढ़िए.